राइट। तो इस मिथ को आज हम दूर करेंगे कि ड्राइंग सीखा नहीं जा सकता ऑनलाइन। ज्यादातर मैंने ये प्रॉब्लम समझा है, तो आज मोइना का आपको ड्राइंग सिखाएगा। और सबसे पहला आज ये रहेगा हमारा सिखाने का उद्देश्य कि आपके दिमाग में, सब लोगों को ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। देखो, मैं अपना ही पेन प्रॉब्लम जानता हूं और मुझे लगता है कि ये पेन प्रॉब्लम सबके साथ होता है, राइट। तो इसलिए मैं आपको, आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ, राइट। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो लगता है ना कि आपके साथ भी ये होता है या नहीं जी लगता? सर, ये क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस किया है, राइट। तो हमने ये प्रॉब्लम फेस किया था कि हमारे दिमाग में जो डिजाइन आ रहा है वो ड्रॉ नहीं हो पा रहा है पेपर पे। एम आई राइट? यस सर, हो देख रहा के है। तो हम यस बना सर, लेते यस हैं, देख सर, के तो हम बना ही लेते हैं, राइट। अगर ये मेरे सामने बॉटल रखा हुआ है तो हम हूबहू बॉटल ड्रॉ कर देंगे। लेकिन हम लोग मन में जो ड्राइंग बन चुकी है उसको पेपर पे नहीं लाते हैं। एंड निफ्ट में तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना, जो चीजें ऑलरेडी बनी हुई है उसको तो ड्रॉ नहीं करना है, उसके लिए तो नंबर नहीं मिलेगा। आपको अपने मन में जो नई चीजें आई हैं उसके लिए आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो आज के टॉपिक में हम, पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि हाउ टू डिजाइन प्रोडक्ट। पहले ये हम समझ लेते हैं, फिर आधा पार्ट समझने के बाद मोइना हैंड ओवर लेगा इस क्लास को और वो आपको सिखाएगा कि जब आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है तो उसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करें। यस सर, ठीक ओके, स्क्रीन है शेयर सर। करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। डिजाइन है हेयर ड्रायर, बहुत ही इजी देता हूँ। हेयर ड्रायर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर हमारी ऑडियंस यहाँ लड़कियां हैं तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी। हेयर ड्रायर सब यूज करती हैं यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, यस सर, करते हैं ना? नहीं करते? नो सर, नो सर। यार ऐसा मत करो, लड़का होके मैं भी यूज करता हूँ, ठीक है? करना पड़ता है, मतलब कभी कभी करते तो करना ही पड़ता है ना। बाल सेट करवाने के ये लिए सर, बाल सर रेट भी सैलून में जो बताओ। जाओ तो 400 ले लेता है। हमें लगता है 1,000 रुपये में तो मशीन आता है, हम कितने बार भी बाल सेट करते रहेंगे, ये सर रेट भी लगता राइट। है सर। तो आज हम आपको सिखाते हैं कि हाउ टू डिजाइन ए हेयर ड्रायर। तो अगर मैं आपको ये बोलूंगा तो अगेन गूगल बाबा के पास हम लोग चलेंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं सर, क्या करेंगे? अरे लाइक थोड़ा मैं थोड़ा सा क्या करोगे, सोच लोगे, राइट, अपने सोचेंगे से और सोच लोगे। थोड़ा इमेजिन करेंगे फाइनली तो कैसा जाओगे है। वहीं पे, क्योंकि अगर जो हाँ आपने सोचा है वो अवेलेबल निकला गूगल पे तो क्या करोगे, यस ड्रॉ सर, करके? तो पहले तो चलो ठीक है, आपने सोच लिया एक आइडिया, मान के चलते हैं सब लोग सोच लो एक आइडिया कि हेयर ड्रायर कैसा होगा, ठीक है? मैंने लिखा हेयर ड्रायर प्रोडक्ट डिजाइन, क्योंकि आजकल ना बच्चे बड़ा स्मार्ट हो गए। पहले हम लोग हेयर ड्रायर ही लिखते थे, अब पूरा क्वेश्चन ही टाइप कर देते हैं बच्चे, क्योंकि किसी ने तो अटेम्प्ट किया होगा, किसी ने तो ऑनलाइन डाला होगा। तो चलो हमने क्या किया, बहुत अच्छी ड्राइंग भी मुझे दिख गई, ठीक है? इस तरीके सर से आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? ओ सॉरी, नो सर, एक नहीं शेयर सेकेंड। नहीं किया हुआ है। ओके, यस सर, शेयर करना भूल गए क्या? ओके, अब दिख रही है? यस सर दिख रही है। ओके, सो हमने हेयर ड्रायर प्रोडक्ट डिजाइन लिख दिया, ठीक है? और गूगल यस सर, करके सर्च किया तो हमें ये प्रोडक्ट आया, ठीक है? अब मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ कि हमारी ड्राइंग कैसे होनी चाहिए निफ्ट में। यहाँ पे आप ऑप्शन है मेरे को बताना, कलर से या फिर किसी भी तरीके से, इस सर ऐसे ड्राइंग होनी चाहिए। बताओ, चलो इतना में ही बताओ, इन सारे में बताओ। फर्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड, रो सेकेंड, चलो यस सर, फर्स्ट इतने में बताओ। सेकेंड रो का फर्स्ट, पर उसके सेकेंड इमेज नहीं सर, नीचे। ये यस सर, इसका हाँ वो सेकेंड वाला इमेज यही अच्छा, मतलब। मेरे हिसाब से ये, हाँ, ये भी बना सकते हैं। हाँ राइट। यस सर, अब मुझे इतने में बताओ।
फर्स्ट रो में, सेकंड लास्ट, इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोलो, जय माता दी, तो ये वाला यस है राइट। सर। इसमें बताओ, फर्स्ट रो थर्ड और सेकेंड फर्स्ट, या ना सेकेंड फर्स्ट थर्ड ये वाला राइट। और सर, ये सर थर्ड ठीक है, तो और फोर्थ। आपको ये तो चलो कल के क्लास में समझ में आ गया कि ड्राइंग कैसे करनी है, या फिर आपको पहले से भी नॉलेज हो इस चीज का, अच्छी बात है, मेरे लिए काम आसान हो जाता है। तो मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल हमने दिमाग में सोच लिया, लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे, ये आप कर लोगे? अब तो आप देख रहा है तो शायद कर भी लो, लेकिन मान लो एक डिफरेंट शेप अगर अगर आपके दिमाग में दिखता तो क्या आप ड्रॉ कर पाते, या फिर आपको चैलेंज आता है? ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ड्रॉ कर पाओगे, मैं ये बोल रहा हूँ लिमिटेड टाइम है हमारे पास बच्चे, 1 घंटे में हमें सोचना भी है, ड्रॉ भी करना है, कलर भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा एक्सप्लेन क्या करना है, ये तो कोई बताता ही नहीं यूट्यूब पे यार राइट। इसीलिए तो यूट्यूब पे पढ़ के ना क्रैक नहीं होता, और हो भी जाता है तो रैंक नहीं आता। तो चलो एक काम करते हैं, इन शॉर्ट पहले हम सिस्टम से चलते हैं, हाउ टू डिजाइन ए प्रोडक्ट इन अ 30 मिनट। देखो हमारे पास डेमो क्लास के लिए अलग प्रेजेंटेशन बना हुआ है, और रियल क्लासेस के लिए अलग प्रेजेंटेशन बना हुआ है, ठीक है, जो हम डिटेल में समझाएंगे आपको। लेकिन अभी हम 30 मिनट्स में हमको समझाना भी है, मोइना को भी हैंड ओवर लेना है, वी हैव टाइम कंस्टेंट, तो इवन निफ्ट के एग्जाम में भी होगा इन शेयर कर लेते हैं स्लाइड्स अच्छे से। तो इन निफ्ट इन एंट्रेंस एग्जाम वी हैव ओनली 1 आवर फॉर 1 कैट क्वेश्चन राइट। सो इट्स वेरी टफ टू क्रैक इट राइट। आपको लगता है 1 घंटे में सोचना भी है, ड्रॉ भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है अपने प्रोडक्ट को, ये तीन चीजें करने हैं, तो आपको मतलब बेसिकली ड्राइंग 20 से 30 मिनट में करना है, यस सर, 10 मिनट में सोचना है या 15 मिनट में सोचना है, और 15 मिनट में उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है एक्सप्लेन देना राइट। तो है, हो यस सर। गया ना, तो आधे घंटे में ड्राइंग करनी है आपको, मान के चलो, तो उस तरीके से टेक्निक निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये बात तो आप लोग को पता होता ही नहीं कि प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते क्यों है, ये बताओ किसी को, ये पता है प्रोडक्ट डिजाइन करते क्यों है? एक मान लो हेयर ड्रायर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो क्यों करते हैं हेयर ड्रायर ड्रॉ, मतलब डिजाइन, हेयर ड्रायर डिजाइन क्यों करते हैं, है तो मार्केट में हेयर डिजाइन हेयर ड्रायर। सर लाइक थोड़ा यूनिक बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट को ओके तीन चलो चार तरह के हेयर ड्रायर के डिजाइन लाएंगे हम ओके, और कोई बताएगा इसका और क्या आंसर हो सर, सकता है? ताकि ताकि उसको मतलब सिंपलिस्टिक वे में हम लोग उसको यूज कर पाए, गुड ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स ना रहे। गुड, चलो ये भी एक अच्छा एडवाइस किया उसने। और सही भी हो सकता है कि सही भी हो सकता है कि तीन बार प्रोडक्ट। आवाज क्रैक हो रही है अंशिका की, सॉरी अंशिका, एक बार तुम चैट में लिख दो, सर मैं हाँ। और कोई बताएगा? मुस्कान, साक्षी, शिक्षा, बोलो। और ये जो नंबर है 8980815712, ये भी आप बोल सकते हो। ओके कॉस्की, आप कुछ बोलोगे? क्यों करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन, सोचो, आपका क्वेश्चन आ गया मान लो निफ्ट में, तो आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्यों करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन? ऐसे ही मन करता है कर देते हैं, और क्या बात है राइट। बात ये है बच्चे कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा, है ना, जैसे अभी आप मोबाइल जो यूज कर रहे हो, मोबाइल क्यों चेंज करते हो? क्योंकि इस मोबाइल क्योंकि में इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है राइट। रहता है, आप यस कुछ सर, को यस आपको सर। कुछ और अच्छा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आपका मोबाइल हैंग करता है। हैंग करने का क्या मतलब है कि आपका यूजेज ज्यादा है उसके रैम और स्पेस के हिसाब से, तो आपको अपग्रेड चाहिए, मतलब अगर आपके पास 128 GB वाला है तो 256 GB वाला चाहिए, 4 GB रैम का है तो 8 GB या 16 GB रैम चाहिए राइट, तो अपग्रेड चाहिए ना। हो सकता है किसी का कैमरा का रिक्वायरमेंट हो, कैमरा अभी उसके पास 20 मेगापिक्सल है, उसको 100 मेगापिक्सल का चाहिए राइट, तो ये अपग्रेड करने के लिए हम लोग करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन का एक ही इंटेंशन है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ हेयर ड्रायर में क्या क्या प्रॉब्लम है?
जो अभी आप यूज कर रहे हो, एग्जिस्टिंग हेयर ड्रायर, सर बताओ। वायरलेस नहीं है, वायरलेस नहीं है, ओके। और और सर थोड़ा लाइक हैवी है। ओके, अभी तो तुम बोल रहे थे हमें हेयर ड्रायर नहीं यूज करते, नहीं तो मतलब ये मेरे एक दोस्त के पास है तो मुझे पता है सर। वो दोस्त का प्रॉब्लम तुम बता रहे हो या तुमने उसका यूज किया तो तुम्हें यूज ऐसा करा है, लग यूज रहा करा है? है यार सर, एक अच्छा दो बार अच्छा लाया हूँ तो यूज करा है अच्छा तो बता तो रहा सारे हेयर ड्रायर के प्रॉब्लम राहुल से ही सुनने को मिलेगा या लड़कियां भी यूज करती हैं वो भी बता सकती हैं? हूँ। सर एनर्जी कंज्यूमिंग है, चलो ठीक है, ये पॉइंट भी सही है। इलेक्ट्रिक और क्या है अंशिका, देखो बोलना चाह रही है, उसका नेटवर्क उसको अलाउ नहीं कर रहा। तो हाँ, हीट में भी, हीट की वजह से हेयर डैमेज ज्यादा हेयर होने का डैमेज हो चांस है। सकता है, ओके ठीक है। और बिजली का झटका भी तो लग सकता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है उसमें, 1000 वाट का क्या होता है, पता है ना? हुआ? बिजली के झटके लग सकते हैं, डर रहता है या यस नहीं सर, रहता? रहता तुम्हें क्यों रहेगा, तुम्हारे तो, तुम तो लड़के हो, छोटे छोटे बाल, लेकिन लड़कियां हैं है। उनको ज्यादा डर रहता बात भी सही है सर। है ना सुहानी? हेयर ड्रायर हम यूज ही नहीं करते। ओके, और कोई यूज करता है? अंशिका यूज करती है लेकिन उसका नेटवर्क सही नहीं दे रहा है, तो उसकी बोलना नहीं चाह रही है। आज मुस्कान मौन वर्क पे है। रिया कुछ बोलना चाहेगी? प्रॉब्लम बताओ यार, प्रॉब्लम नहीं बताओगे प्रोडक्ट कैसे अच्छा बनेगा? बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हम एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। बताओ प्रॉब्लम। चलो मैं बताता हूं, एक तो बहुत ज्यादा मिसशेपन है बेसिकली, जब उसको तुम अपने सूटकेस में रखोगे ना तो पूरा जगह कवर कर लेगा, ठीक है? तो इट्स नॉट डिटेचेबल और फोल्डेबल, यस सर, ओके? डिटेचेबल फोल्डेबल होना चाहिए। वायर डिटेचेबल हो तो और अच्छा है कि हम वायर को अलग से रखें और ट्रिमर हेयर ड्रायर को अलग से रखें। एनर्जी कंज्यूमिंग है बहुत बार, तो ये भी होता है मैंने सुना है कि बाल सीधा कर रहे हैं और लाइट चली गई, आधा बाल तो टेढ़ा ही रह गया, राइट? तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बैकअप नहीं है, पावर बैकअप नहीं है, सो वी कैन इम्प्लीमेंट बैटरी। अब बैटरी इंप्लीमेंट करेंगे तो एनर्जी कंज्यूमिंग कैसे होगा? तो उसको हम एनर्जी कम कंज्यूम करने वाला हेयर ड्रायर बना सकते हैं, एरोडायनामिक शेप में, ठीक है? ये हो सकता है। और उसके मटेरियल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है तो ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। अगर यही मटेरियल सिरामिक का हो, सिरामिक कोटिंग का हो, सिरामिक का ना, सिरामिक कोटिंग का हो या फिर वुडेन का हो, तो मुझे थोड़ा ना ट्रस्ट रहेगा कि भाई इसमें मुझे पता है बचपन से कि सिरामिक में और वुडेन में करंट नहीं मारता, राइट? नहीं अगर वुडन रहा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा? नहीं वुडेन हैंडल की बात करें, झटका तो वहीं पे मारने का डर रहता है। और आगे का देखो, यस बेसिकली दैट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अगर हो सकता है झटका तब भी मारेगा तुम्हें, हो सकता है, लेकिन यहाँ साइकोलॉजिकल डर नहीं रहेगा तुम्हें भाई, ये उड़े ने तो झटका नहीं मारेगा, जहां पे पकड़े हुए हैं वहीं पे करंट ना लगेगा। डोंट यू थिंक सो कि ऐसा होता है? अच्छा चलो, सिलिकॉन बॉडी यूज कर सकते हैं? यस सर, सिलिकॉन या रबर। रबर तो गला देगा, सिलिकॉन हाँ ही वो भी होता है, है, रबर जैसा दिखता है लेकिन वो सिलिकॉन होता है, हाँ ठीक सिलिकॉन। है? तो तुम्हें यस लगता है सर, कि मैं ठीक ठाक यस एडवाइस कर रहा हूँ लड़का होने के बावजूद भी? मतलब हेयर सर। प्रोडक्ट तुम लोग का है, अरे तुमसे नहीं यस, पूछ रहे हैं, ये नहीं सारे गूंगी लड़कियों मैं से बता पूछ रहा हूँ जो लड़कियां गूंगी हैं यहाँ पे। पा रहा सर। बाकी लड़कियां बताओ, चलो चैट में लिख दो यस सर, क्योंकि तुम्हें आदत है चैट वाला क्लास करने का, तो चैट में ही लिख दो। कुछ लोगों की जुबान उनके हाँ उंगलियों में होती है, फटाफट लिखते हैं। लिखो यार यस या नो, आपको लगता है कि मैंने दो चार प्रॉब्लम सॉल्व किया है? यस शिक्षा सर, सीखा जो भी है, साक्षी कौशिकी यस सर, देखो लिख सब रहे हैं लेकिन सबने मुंह में थोड़ा सा जोरन लेके बैठे हुए हैं कि दही जमेगा उसके बाद ही कुछ बोलना है, राइट? बच्चे बोलो, बोलोगे नहीं तो डिजाइन नहीं सीख पाओगे। मैं मतलब ये ना, मैं आपको एकदम देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, डिजाइनिंग ना बिना बोले सीखा ही नहीं जा सकता। एक गूंगा डिजाइनर बता दो जो सक्सेसफुल हो,
एकदम या मोइना तुम बताओ, तुम सही बात है, इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा। सही बिना बोले बात हुए, जैसे हो सकता है मैं अपनी बात रख रहा हूं, हो सकता है मेरी बात गलत हो, आप मुझे काटो, कोई दिक्कत नहीं यार, मतलब इट्स अ डिस्कशन मोड ना, इट्स अ हेल्थी डिस्कशन, आना चाहिए। डिजाइनर बनने के लिए ना आपको मिलान में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से डिजाइन सीख सकते हो, बट यू हैव टू डिस्कस द थिंग कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सुना है ना कि गांव में जो बच्चा है रहता है, जिसको मॉडर्न स्कूल नहीं मिला है, वो भी कुछ नया आविष्कार कर रहा है, कैसे उसकी अच्छे संगत है। बेसिकली देखो, कोचिंग का एक ही अच्छा फैक्टर है, आपको यहाँ पे अच्छे संगत मिलेंगे। अच्छे संगत मतलब अभी तक आपके कौन से दोस्त हैं, मैं आपको, आप बोलोगे नहीं, मैं ही बोल देता हूँ आपके बिहाफ में, आपके वो दोस्त हैं जो उनको क्रिएटिविटी में ज्यादा समझ में नहीं आता, ज्यादा पसंद नहीं आता, आपके ज्यादातर वही दोस्त हैं अभी, है या नहीं? सर एक तो है, हम लोग को करना है, एक है मेरी फ्रेंड जिसको भी निफ्ट करना है, बट उसको हम सजेस्ट किए थे इसका, तो वो बोली नहीं हम खुद से ही करेंगे प्रिपरेशन, तो हम बोले तो आप ओके। समझ रहे हो ना, वो जिद्दी बच्चे टाइप के हैं। आपको आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर वो खुद से प्रिपेयर कर सकती है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं कर सकती, लेकिन ये ज्यादा आसान हो जाता है कोचिंग करने के बाद। यस सर, हो सकता है वो आपसे अच्छे बच्चे भी हो, मतलब आपसे बेटर कर रहा हो, लेकिन मैं यस आपको ऑफ बोलूंगा कोर्स, 1 साल के बाद ऐसा ना हो कि उसका रैंक पीछे चला जाए आपके रैंक से। क्यों? क्योंकि आपके ना दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन अभी आपके भी हैं, उसके भी हैं। आपको सॉल्व करने वाला कोई है जो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है, उसने क्या किया है, सारे चैलेंजेस अपने ऊपर ही ले लिया, तो ये एक मैं बोलूंगा टफ हो जाता है कहीं ना कहीं। और एक मतलब इनसियोरिटी रहती है कि क्योंकि देखो आप, अगर आपने 10 12 कोचिंग करके ही किया होगा ना क्लास, या फिर स्कूल करके ही किया है ना, 10 यस सर, का एग्जाम कैसे दिया है, घर पे बैठ के स्कूल जाते स्कूल थे, और ट्यूशन भी कुछ यस लोग जाते हैं, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, सर, स्कूल में आप वही सब्जेक्ट पढ़ते हो जो एग्जाम में आने वाला है। यस सर, निफ्ट वाला कौन सा पेपर आपने पढ़ा है स्कूल में जो आने वाला है निफ्ट के एग्जाम में? कोई इंग्लिश नहीं सर, रीजनिंग वाला पेपर ठीक है, वो वाला पेपर फिर भी चलेगा गैट वाला, लेकिन कैट वाला तो बचपन से कोई नहीं पढ़ा है। नहीं सर, तो फिर यहाँ पे हम क्यों पैसे बचाते हैं? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको अभी भी एक सब लोग को ये बात बता रहा हूँ, निफ्ट कांगड़ा सुना है? निफ्ट कांगड़ा तो फिर भी ठीक है, निफ्ट कन्नूर की बात करते हैं, या निफ्ट दमन द्वीप जो पिछले साल खुला है, इसका जो फी है ना वही निफ्ट दिल्ली का भी फी है, 1,70,000 पर सेमेस्टर। अब मुझे बताओ, 1,70,000 आप दे सकते हो, यहाँ पे 25,000 का कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है पॉइंट मैं यस बोलना क्या सर, चाह रहा हूँ? कि अच्छा बेटर रैंक लाओ, बेटर सेंटर पे पढ़ाई करो, बेटर प्लेसमेंट लो, ये ज्यादा आसान हो जाएगा ना। सर, तो ये सेंस बनाता है, आप देवोलीना मैम को भी एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो कि उनका निफ्ट पटना में मिला था और उनको भी यही लगता है, यार मेरे को कोई उस समय गाइड करने वाला ही नहीं था, तुमने कोचिंग कर लिया, तुमने रैंक 32 लिया है, उसका रैंक कुछ 500 था। तो देखो हमारे सामने ही एग्जाम्पल है, लेकिन उसको तो कोई गाइड करने वाला नहीं, लेकिन आज के डेट में बच्चे जिद्दी हो गए, नहीं हम ऐसे ही कर लेंगे, हम बहुत होशियार हैं। ठीक है, आप सर देखो होशियार लाइक हो, मतलब लेकिन थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा तो कोई बुराई नहीं है। यस सर, उन लोग के मतलब कजिन्स लोग निफ्ट, एक उनकी उसकी कजिन्स है निफ्ट दिल्ली की, तो शिव वो है कि मेरी दीदी की है, तो हम उनसे एडवाइस लेके कर सकते हैं, बोले अच्छा है, अच्छा बात नहीं है। अच्छा है, देखो यही यही ले डूबता है, जो दीदी और कजन्स वाले हैं ना यही ले डूबते हैं, और यही होता भी है। आप एक बात बताओ, कोई निफ्टियन मेरे, मैं बात करा दूंगा किसी हमारे बैच लाइक जो हमसे पास आउट हुए हैं उनसे मैं बात करा दूंगा, कभी किसी को ऐसा हो तो। सीन क्या है कि उनके पास ना इतना टाइम ही नहीं है कि वो कंसिस्टेंट रोज 1 घंटा बैठा के समझाए, ठीक है, और उन्होंने कोई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखा है, खास करके कजन वाले, तो मौसी वाला जो रिश्ता होता है ना, जो ननिहाल वाला रिश्ता होता है, वो तो फिर भी बहुत ही पर्सनल अटेंशन दे देते हैं, जैसे मौसेरे भाई मौसेरी बहन, राइट, लेकिन चचेरे वाले थोड़े से वियर्ड होते हैं, मतलब एनोइंग होते हैं, राइट, आप लोग का भी ऐसा ही होता है ना, मतलब नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ मेरा ऐसे रिश्तेदार खराब है या आप लोग के भी खराब है? दोनों साइड से वही सेम है, तो सर हम लोग के भी है। हाँ
ज्यादा ऐसा होता है हमारे साथ कि चाचा वाले ना मतलब थोड़ा उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मौसा मौसी वाले बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, एकदम फील ही नहीं होता है कि हम लोग दूसरे घर से हैं, तो ये होता है। इसलिए मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब जो तुम बोल रहे हो ना कजन वाले, ये मैंने बहुत केस सुना है कि सर मेरे भैया निफ्ट में है। मैं आपको एक और एग्जांपल अच्छा दे सकता हूँ। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया जिसके भैया से मैं इंस्पायर हुआ था मेरे टाइम पे, वो स्टूडेंट मेरे मुझे लास्ट ईयर ज्वाइन की थी, उसके खुद के भैया, मतलब सोचो मेरे लिए लाइफ मतलब निफ्ट में आने के लिए इंस्पिरेशन थे। मेरे ही शहर की लड़की है साइमा, मोइना तुम तो जानते हो राइट, तो साइमा के बताए थे ना भैया से इंस्पायर होकर मैं निफ्ट में गया था। तो साइमा को जब उसने साइमा को मतलब भैया को अप्रोच किया, तो उसके भैया ने बोला शशि ने कोचिंग स्टार्ट किया हुआ है, जाके उसको ज्वाइन करो क्योंकि मैं तुम्हें कंसिस्टेंट टाइम नहीं दे पाऊंगा डेली बेसिस पे, और शशि क्योंकि यही सिस्टम चला रहा है तो वो आपको टाइम दे देगा, जो मैं सिखाऊंगा वही शशि भी सिखाएगा। तो जो होशियार निफ्टियन होता है ना वो ऐसे ही एडवाइस देता है, और जो निफ्टियन ऐसे होते हैं ना कि अपने आप को प्रूफ करना है कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, और ये ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जो निफ्ट में ही होते हैं, ठीक है, निफ्ट से जो निकल जाता है ना उसको पता चल जाता है भाई जॉब में भी मेरे पास टाइम नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, तो तुम कर लो राइट, चलो ठीक है उसका डिसीजन, भाई अपन क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चे आपको ना एटलीस्ट 3 to 5 प्रॉब्लम को खोजना है और उसको सॉल्व करना है अपने प्रोडक्ट डिजाइन में। ये याद रहे, वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो मार्केट में ऑलरेडी है, वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो अच्छा से दिखता हो, प्रोडक्ट वो बनाना है जो अच्छा ना भी दिखे लेकिन उसकी यूजिबिलिटी पहले वाले से बेटर है, उसका फंक्शनैलिटी पहले वाले से बेटर है। गॉट इट? ओके, सो इट्स वेरी इजी, फॉलो द 5 स्टेप। निफ्ट नो अबाउट योर करेंट स्टेटस, मतलब क्या है, +2 के बच्चे हो या +2 पास हो गए ज्यादा से ज्यादा, तो आपकी नॉलेज, आपकी डिजाइन एबिलिटी, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सब कुछ उन्हें पता है कि आप क्या जानते हो नहीं जानते हो, तो आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ महान डिजाइनर वाला डिजाइन करोगे। अगर कर दिए ना तो भले ही डाउट हो जाएगा कि इसने गूगल से तो नहीं छाप दिया राइट, तो उसमें आपकी एक जेन्युइनिटी दिखनी चाहिए कि वो आपका ही डिजाइन है। वो कैसे दिखेगा वो मोइनाक भी बताएगा कुछ देर में, ठीक है। एनालाइज एग्जिस्टिंग डिजाइन अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट में जो भी डिजाइन है पहले उसको एनालाइज करो। प्रोडक्ट डिजाइन के लिए सबसे एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है कौन सा? amazon.com जाके देखो कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा मटेरियल है, क्या फीचर्स है, सब तो लिखा रहता है प्रोडक्ट के बारे में। सबसे बेस्ट वेबसाइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये दोनों जाके चेक किया करो कि आप जो भी सोच रहे हो वो प्रोडक्ट है अमेजोन पे या नहीं है, और जो है जो सबसे महंगा वाला है जो सबसे अच्छा वाला है उसमें क्या प्रॉब्लम है, इवन आप उसके प्रॉब्लम भी देख सकते हो, पता है कहाँ पे, रिव्यू रिव्यू पे, पे वही पेज पे रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? यस ओके, तो फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग डिजाइन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, यूजिबिलिटी, डिजायर, फैशन, लग्जरी एंड एआई एडवांसमेंट ऑटोमेशन। लाइक जैसे आपने बोला ना कि हमारे बाल जलने का डर होता है, तो अगर हम उसमें ऑटोमेशन डाल दे, ऑटोमेटिक कट डाल दे कि भाई ये ना 200 वाट से ज्यादा हीट करेगा ही नहीं, मतलब जो भी आरपीएम होता है हीट का उससे ज्यादा वो हीट करेगा ही नहीं, ठीक है। यूजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, डिजायर का मतलब क्या है आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, वो चीजें आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, फैशन और लग्जरी ओरिएंटेड कितना ज्यादा अच्छा है, मतलब डिपेंड ऑन द मटेरियल एंड कलर एंड टेक्सचर राइट, ये सब कुछ मैटर करता है। ओके, तो पहले क्या करो सारे प्रॉब्लम लिख डालो, पांच ज्यादा नहीं 4-5 प्रॉब्लम लिखो, ठीक है, राइट डाउन ऑल फैक्ट एज प्रॉब्लम। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, फाइंड आउट सॉल्यूशन इन मिनिमलिज्म, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मत निकाल देना और एक ही बार सारा सॉल्यूशन नहीं देंगे, 2 से 3 मैक्स टू मैक्स 4-5 चीजों पे ध्यान देंगे, लेकिन मैं बोलूंगा 3 बेस्ट है, 3 से ज्यादा मत करो, ठीक है, 3 प्रॉब्लम को एक प्रोडक्ट में सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो मैंने बोला 1 से 2 राइट। उसके बाद क्या करना है, ये तीसरा पॉइंट है बाय द वे, स्टार्ट डूडलिंग। ओके, रफ स्केच करो आपके डिजाइन का,
फिर क्या करो, फाइनलाइज करो कोई बेस्ट, मतलब पांच आपने रफ स्केच किया उसमें से एक बेस्ट फाइनलाइज करो, ठीक है, और फिर लास्ट में राइटअप लिखो। आप बोलते हैं बच्चे सर राइटअप में क्या लिखें, तो राइटअप में वो लिखें बच्चे जो आपने बनाते समय सोचा है, जो प्रॉब्लम आपने फेस किया है वही तो लिखना है, और क्या लिखना है, महाभारत थोड़ी लिखनी है, बाहर से कुछ नहीं लिखना, जो आप सोच रहे थे बनाते समय वही चीज लिखना है। इसके लिए कोई डेकोरेटिव इंग्लिश की जरूरत नहीं, जैसे लिखते हो ना काउ हैज टू आई, काउ हैज टू ईयर, काउ हैज टू हॉर्न, वैसे ही लिखना है, इतना ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश ऐसे के लिए नंबर नहीं मिल रहा है, आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए नंबर मिल रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए, बस इतना ही इंग्लिश चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन के बारे में बताओ। हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ, देखो राइटअप को मैंने ब्रेक डाउन किया, पहले प्रॉब्लम लिखो, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, पावर कंज्यूमिंग, हैवी वेट, बिगर शेप, ये सारे प्रॉब्लम हो गए, ठीक है। सॉल्यूशन लिख देंगे उसी का अपोजिट, ठीक है, जो सॉल्यूशन है। मटेरियल लिख देंगे कि मटेरियल इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और इन अ करेंट मार्केट सिनेरियो वी हैव सीन लाइक अ प्लास्टिक मटेरियल और सम टेफ्लॉन मटेरियल विच इज नॉट साउंड लाइक अ वेरी प्रोटेक्टिव एलिमेंट, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग सिरामिक कोटिंग टू प्रोटेक्ट आवर लाइक टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम शॉक और टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो यू कैन राइट लाइक वी कैन यूज वुडेन टेक्सचर और वी कैन यूज अ कोटिंग ऑफ वुडेन या और वी कैन यूज ऑफ वुडेन पैनल विच कैन ऑल्सो गिव अस साइकोलॉजिकल इफेक्ट एज ए प्रोटेक्टिव एलिमेंट, सो दिस विल सेफ अस मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो, ओके। उसके बाद साइज आप लिख सकते हो कि इन एग्जिस्टिंग डिजाइन द साइज इज बिगर बट इन दिस डिजाइन आई एम ट्राइंग टू मेक इट डिटैचेबल सो वी कैन यूज इट और कैरी इट इन वेरी इजी मैनर एंड वी कैन कीप इट इन आवर ट्रेवलिंग टाइम, राइट। सो कलर एंड अच्छा शेप की अगर हम बात करें तो कलर एंड शेप में आप लिख सकते हो कि दिस लाइक इन दिस सिनेरियो लाइक वी आर गेटिंग लाइक ए नॉर्मल और वेरी न्यूट्रल कलर ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसको, हेयर ड्रायर, बट आई थिंक हेयर ड्रायर इज मोस्ट बिलोंग टू लाइक अ वुमेन सेक्शन, सो इट शुड बी ए फेमिनिन कलर, सो इट विल गिव द गेटअप ऑफ लाइक इंटायर अटायर एंड ऑल्सो इट विल गिव द फीलिंग ऑफ फेमिनिनिज्म विच मेक लाइक अ विच मेक सेंस टू बिकम ए वेरी लाइक अ फेमिनिन प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स, राइट। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, राइट। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डिजाइन ए मिनी कॉफी हीटर बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ पिक्चर, गिवन पिक्चर की पिक्चर भी मैं दिखा देता हूँ, ये कैसा दिख रहा है, याद है बहुत बचपन में आपने देखा होगा, यस जिसके सर, पास गीजर नहीं होगा, यस बाल्टी में डाल के इसको सर, आयरन गर्म देखा करते है, हैं, यस राइट, सर, बट इसका प्लग ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये साइज छोटा है, छोटा सा है, ठीक है, तो ओके ये कॉफी हीटर है बेसिकली, ये कप में आ जाता है इस तरीके से, ओके राइट। तो अब आपको ये नहीं डिजाइन करना है, ये तो किसी गधे ने डिजाइन किया कि बड़े हीटर को छोटे साइज में डाल दिया, अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे ये डिजाइन करना है जिससे लगे कि ये किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया है, ठीक है। इट्स लुक लाइक अ स्मॉल साइज इमर्सन रड बट यू नीड टू डिजाइन इन अ बेटर वे, ये मेरे तरफ से आपको क्वेश्चन है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अटेम्प्ट करना, मुझे भेजना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप रिव्यू के लिए भेजोगे, तो मैं आपको रिव्यू भी कर दूंगा, अपना इनपुट भी दे दूंगा, ठीक है, ले लिया सर, स्क्रीनशॉट, एक एक मिनट मिनट ओके, यस सर, ले लिया, यस सर, ले यस लिया, सर, ओके। सो कुछ ऐसे सबमिशन आए थे आप लोगों के तरफ से, ठीक है, हालांकि ये हमारा फुल फ्लेजर्ड क्लास लेने के बाद ये सबमिशन आया था, ये पेड क्लास के सबमिशन है। आपको लग रहा है दिस आर बेटर ड्राइंग, यस मतलब अच्छे बुरे सब हैं, देखो यहाँ पे मैं सब दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे ये वाला देखो, ये यस मुझे सर, यस अच्छा सर, लगा, अच्छा, क्लीन राइट, है। ये वाला थोड़ा सा हैवी लगा, मैंने उसको बोला था इसको और स्लिम करूं,
ये वाला भी मुझे कोई खास नहीं लगा, इट्स जस्ट लाइक अ पेन और थर्मोमीटर, ठीक है। ये वाला भी कोई खास नहीं था, ये वाला मुझे अच्छा लगा। आप देखो थोड़ा तो पेन है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप से है, तो बहुत तरीके से बच्चों लोगों ने बनाया था। एंड इट विल बी बेटर कि आप भी अपना परफॉर्म करो। सो आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट डिजाइनिंग किस बारे में होता है? प्रोडक्ट डिजाइनिंग ये नहीं होता जो एग्जिस्टिंग है वैसे ही बना दो, एक अच्छा सा ड्राइंग कर दो, ये आप बना दोगे आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। इससे बेटर है कि आप कुछ ऐसा बना दो जिसमें आप कुछ समझा पाओ कि आपने इस एंगल से क्यों बनाया। मान लो इधर फैन यूज कर रहे हैं तो क्यों बनाया, राइट? या फिर दो तीन एंगल उसके दिखा दो, ठीक है। या फिर आपने एक और बच्चे ने बोला था, ये देखो अलग अलग पार्ट्स को फीचर्स में बता दो, तो इस तरीके की ड्राइंग पे नंबर मिलता है, राइट? समझ में आ गया? अब दिमाग खुला कि ये जो मुझे ये बताओ प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बारे में, इतने दिन आपने यूट्यूब पे अगर सर्च किया होगा, अगर किया होगा, अगर आप बहुत एग्रेसिव स्टूडेंट हो, तो क्या आपको ये सारे इंफॉर्मेशन मिले थे इन जस्ट लाइक 1 आवर? नहीं मिला। अब मुझे एक चीज और बताओ कि अगर आपने सर्च नहीं किया तो आगे चल के कब सर्च करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप एक कोचिंग के फ्लो में रहोगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं आपको रिसर्च करके दे रहा हूँ, आपको उस फ्लो में जाना है, और उस फ्लो में जाने के लिए सिर्फ ज्वाइन करना है। फ्लो में जाओगे और आपका टाइम से पहले आपका प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। वरना इसी तरीके से आज आपने कभी मन किया तो सर्च कर लिया, कभी मन किया तो सर्च नहीं किया, कभी मन किया तो पढ़ लिए, कभी मन किया तो नहीं भी पढ़े, तो ये तो प्लानिंग नहीं हो सकती ना। अगर आपको तय है कि इस बार निफ्ट निकालना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छे रैंक लाके निफ्ट निकालना है, निफ्ट दिल्ली मुंबई बैंगलोर कोलकाता जैसे सेंटर लेना है, तो आपको एक ना एक तो प्लानिंग चाहिए, और वो प्लानिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट? तो ये मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा। बाकी मोइनाक का टर्न है। मोइनाक, इन लोग को ये बता दो सिर्फ कि इनके दिमाग में जो भी ड्राइंग आती है, मतलब जो भी आइडिया आता है, उसको पेपर पे कैसे इजिली ट्रांसफर कर पाए ये लोग, और आइसोमेट्रिक तरीका आई थिंक सबसे बेस्ट होता है, राइट मोइना? एकदम 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 उसको मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हैं पहले क्यूबिकल शेप में या फिर 3D शेप में, और उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट का शेप देना स्टार्ट करें। तो मैं मोइना का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मतलब पिन कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लो, ये वाला जिसमें एक व्हाइट पेपर आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको? यस सर। सबने पिन कर लिया? यस सर। ओके, मोइना का भी आपको समझाएगा। तो एक्चुअली मैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग से शुरू करता हूँ, जिसके लिए आपको पता होगा कि शायद कुछ ज्योमेट्रिक जो शेप्स वगैरह होता है हम लोगों के पास, उसी से ही हम लोग काम करते हैं। जनरली दो ज्योमेट्रिक शेप काम में लगाते हैं हम लोग, एक है सर्कल या तो स्फीयर, और मतलब सर्कल 2D में, 3D में स्फीयर, और एक है आपका स्क्वायर या तो क्यूब, ठीक है। तो आप रेक्टेंगुलर शेप को आप स्क्वायर का, दो स्क्वायर को पास पास जोड़ के रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, तो वो तो है ही। एक सेकंड मोइनाक, मैं एक चीज डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुम्हें, मैं ये बोलना पूछना चाह रहा हूँ सबके लिए, मोइनाक का वॉइस ऑडिबल है या फिर थोड़ा लाउड चाहिए? मोइनाक मुझे लगता है थोड़ा माइक तुम्हारा दूर है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों पता नहीं, थोड़ा दूर है। अच्छा अब बोलो फिर से। अब अभी अभी ठीक है, क्लियर है सर? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, थोड़ा और सामने ले लेता तो अच्छा। तो अभी क्या है, मैं कुछ जनरल चीज ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल चीज एज इन वो जो होता है ना, मतलब क्या करे, मतलब क्या डिजाइन करके दिखाए, एक डिजाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ कोई एक 3D शेप को, ठीक है। आप ये जो होता है ना कि लिक्विड सोप वगैरह जो होता है, जैसे हैंड वॉश हो गया, हाँ हाँ एकदम एकदम, तो उसका शेप थोड़ा सा हम लोग अगर थोड़ा सा चेंज करके उसको देखे, 3/4 व्यू से उसको देखे। अच्छा 3/4 व्यू के बारे में आप लोगों को पता ही होगा शायद, तो वो चीज ऐसा है कि जिस एंगल से हम लोग जनरली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो चीज ना थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी हम लोगों को। जैसे मान लीजिए मैं आइसोमेट्री से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो क्यूब बनाना है मुझे, क्यूब या तो रेक्टेंगल जैसा शेप बनाना है,
तो बेसिक शेप मैं शुरू कर रहा हूं बनाना। मेरा अगर व्यू पॉइंट के बाहर चला जाता है तो थोड़ा बोलिएगा मुझे। तो ऐसा एक बक्सा मैं बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा आप लोग स्केल भी यूज कर सकते हो, आशीष स्केल यूज कर सकता है क्या? हाँ, स्केल यूज कर सकते हैं एग्जाम। आप लोग स्केल यूज कर सकते हो, मैं विदाउट स्केल ही बनाने का कोशिश। लेकिन मैं आप लोग को यही बोलूंगा, अभी आप हो सके तो जितना फ्री हैंड बनाने की कोशिश करो वो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा, एकदम सही बात है। तो ये मेरा मेन ढांचा है, इसी से ही मैं वो जो बॉटल है वो बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस करना है मुझे? देखो शेप मुझे ना थोड़ा सा ऐसा शेप चाहिए, ठीक है। तो ऐसा शेप यहाँ से मैं कैसे डिराइव करूंगा वो मुझे सोचना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो जहां से मैं इसको ऐसे मतलब ऐसे यहाँ पे कर्व करूंगा वो पॉइंट मुझे डिटरमाइन करना है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से मैं इसको कार्व को चेंज करना चाहता हूं, तो इस पॉइंट में क्या किया मैंने, एक और एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। अच्छा इतना तो आसान है, मुझे लग रहा है कि ये तो आप लोग कर ही सकोगे, ये तो कोई बड़ी कोई क्वेश्चनेबल बात नहीं, तो हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा अब क्या है, इसके ऊपर मुझे एक बॉक्स बनाना है जहां पे मुझे वो जो ढक्कन वगैरह है वो चीज डालना है, ठीक है। तो वो एकदम सेंटर पे करना है मुझे, तो सेंटर कहां से मैं लाऊं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये लाइन और ये लाइन का जो बीच वाला लाइन है इसको खींचना पड़ेगा। एंड देन अगेन इस ये जो लाइन है इसका जो बीच का पॉइंट है और ये जो पीछे वाला लाइन है इसका जो बीच का पॉइंट है, ये दोनों को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे सेंटर कहाँ पे है पता चल गया, ये वाला सेंटर है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये सेंटर के आसपास मुझे और एक स्क्वायर बनाना है, तो ये स्क्वायर जो बना रहा हूं तो इसको इसका भी एक 3D शेप है, तो ये भी थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये ऊपर आ रहा है। अच्छा गाइज, ये इजी लग रहा है या फिर अभी कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है? आप मोइना को उस समय रोक भी सकते हो, मतलब जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज में कोई अंतर नहीं, अंतर आपको लाना है कि आप अपने सवाल पूछ लो। अगर मोइना को आपको लग रहा है मोइना थोड़ा फास्ट जा रहा है, उनको बोल सकते हो सर थोड़ा स्लो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मोइना ने ऐसा कुछ बोला जो आपको नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो, सर एक बार मुझे ये वाला बात फिर से समझा दीजिए, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेज, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहां मिल रहा है तो इसका फायदा उठाएं। एकदम ओके सर। तो ये जो मैं किया ये तो समझ में आ रहा है, या नहीं आ रहा तो बोल सकते हो सर। इतने हाँ, मतलब एक बड़ा बॉक्स के ऊपर एक छोटा बॉक्स डाला, लेकिन इसका पोजीशन मैंने लोकेट किया कैसे, इसका पोजीशन मैंने लोकेट किया क्योंकि मुझे सेंटर में बनाना है इस बॉक्स को। तो इसलिए क्या किया, इसका जो ये ऊपर वाला छोटा बॉक्स है उसका जो नीचे वाला प्लेन है वो प्लेन का सेंटर पॉइंट लिए, उसके बाद यहाँ से मैं पूरा बॉक्स को ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस आप ड्रॉ कर सकते हो, मुझे इतना नहीं लगता है तो मैं ड्रॉ नहीं करता, खाली आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। लेकिन फिर ऊपर वाले का भी मुझे सेंटर पॉइंट निकालना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना लिया, ठीक है। तो ये हुआ ऊपर वाला जो प्लेन है बॉक्स का उसका सेंटर पॉइंट। अब यहां से मतलब पाइप यही से जाएगा, अगर मान लीजिए कि मैं कोई ट्रांसपेरेंट वाला बॉटल बना रहा हूं तो पाइप यही से जाएगा मेरा। अच्छा तो अब क्या करना है, देखो ये यहाँ पे मैं एक सर्कल जैसा ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ये सर्कल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक्चुअली मैं यहाँ पे स्टेप जंप किया। स्टेप जंप क्या किया, मुझे यहाँ पे एक्चुअली और एक स्क्वायर बनाना था एक्चुअली, मतलब ऐसे। हाँ मतलब वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा है समझाने के लिए इतना हम लोग ड्रॉ भी कर रहे हैं कि आपको स्क्रैच से सिखाना है इसलिए। तो ये पॉइंट से मेरा जो पाइप है वो बाहर निकलेगा, ये वही पॉइंट है, ठीक है। हो गया,
इतना काम हो जाने के बाद मुझे मान लीजिए कि ये यहाँ पे आ गया, ये फिर से ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे है। अब यहाँ पे फिर से एक प्लेन है मेरा, तो वो प्लेन को ड्रॉ करना है अभी। तो वो प्लेन अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए ये और ये, दिस इज द प्लेन, ठीक है, जिसके ऊपर ये जिसके ऊपर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे, कितना ऊपर उठा मैं ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे और एक छोटा सा काम करना है, ये बनाना है, अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा ये किस लिए मैंने बनाया। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग प्रेस करके वह, करते हाँ, तो वही वाला पार्ट मैंने बना लिया, उसका एलिवेशन मैंने खाली ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, इसका नीचे से ये पूरा नीचे तक आएगा, ये तो आराम से समझ में आ रहा है, तो नीचे का ये दिखा दिया ऐसे करके, और ये पाइप आ गया। अब पाइप थोड़ा सा नीचे तक जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग एकदम एक कॉर्नर पे पाइप लाके छोड़ते हैं ऐसे करके। ये मेरा मेन जो ढांचा है जियोमेट्रिकली ये बन चुका है, ठीक है। अब एक चीज ये सोचना है कि अभी जो कार्व लाइन है वो कैसे ड्रॉ करना है हमें। अभी कार्व लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, देखो मैं कोई दूसरा कलर का पेन यूज थोड़ा करता या हूँ, हल्का इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ। कर हाँ हाँ सही बात है, दिख रहा है ना फिर भी। लेते हैं। हाँ और भी कर सकते हो हल्का, क्योंकि हमें वो बात तो समझ में आ गया कि तुमने कैसे जोगे। राइट गाइज, मतलब मुझे नहीं समझना है, आप लोग को समझना है। मुझे ये बताओ आप लोग को समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ओके, यस सर। मतलब आप समझ में आ रहा है कि ड्राइंग को? अच्छा एक बात बताओ, ऑफलाइन में ड्राइंग ऐसे ही सिखाते हैं ना कि जब आप क्या करते हो, टीचर का मुंह देखते हो या उनकी कॉपी देखते हो? कॉपी कॉपी, देखते हो। यहाँ भी वही कर रहे हो ना बेसिकली, यस सर। मोइनाक की शक्ल दिखे ना दिखे, मोइनाक का हाथ और वो क्या समझाना चाह रहा है वो दिख रहा है, एंड ज्यादा बेटर तरीके से दिख रहा है, क्योंकि आपको ये एंगल सब बच्चे को एक ही एंगल से दिख रहा है। लेकिन अगर आप एक टीचर को चारों तरफ से घेर के खड़े रहते हो तो कोई बच्चा सामने अगर खड़ा है तो उसको उल्टा एंगल दिख रहा है। ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं शशि, मतलब ये एक्चुअली बहुत बहुत सही पॉइंट है एक्चुअली में। में ये होता है, पता है कि मतलब जो बच्चा होशियार होता है वो टीचर के साइड खड़ा होता है, जो बच्चा बेवकूफ होता है वो वो उल्टी तरफ होता है। टीचर के जस्ट सामने खड़ा होता है, तो उसको तो पेंसिल उल्टी चलती हुई दिख रही है, इसलिए उसको समझ में आके भी वो घर पे नहीं कर पाता है। सबको सही बात। डिफरेंट एंगल से दिखते हैं। हाँ तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला चीज मतलब ऑनलाइन सीखा जा सकता है ड्राइंग। चलो इसको कर्व और इसको शेप देते हैं, मतलब जो कर्व हाँ, शेप होता है। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। ज्योमेट्रिक इसलिए हम लोगों ने बताया कि आपको ना टेक्निकली स्ट्रांग हमें करना है, मतलब कोई ये ना बोले नहीं ये वाला ना तुमने जो ड्रॉ किया वो गलत है। यहाँ पे हर एक चीज का आधार लिया गया है कि अगर हमने सेंटर भी निकाला तो कैसे सेंटर निकाला। तो आपका ना ड्राइंग कभी टेक्निकली गलत हो ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, अगर आप इस प्रोसेस से जाओगे तो। एकदम एकदम सही बात है। तो एक चीज देखो, ये जो गाइडलाइंस था हम लोगों के पास, ये लाइन और ये लाइन, मैंने क्या किया, ये लाइन से ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ा, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा, अभी इससे इसको जोड़ा, इससे उसको जोड़ सकते हो, लेकिन जुड़ने का कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। फिर वही चीज यहाँ पे भी दोहराना है। तो क्या था, ये हम लोग का पॉइंट था और ये पॉइंट था, थोड़ा सा हल्का हो गया है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे कार्व ड्रॉ कर किए, ठीक है। तो ये ढक्कन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो बनाने का कोशिश कर रहा हूं अभी, ठीक है, और ज्यादा जरूरत नहीं है, हो गया है। तो देखो ये जो ढक्कन का जो शेप है वो यही से निकल गया हम लोगों का। मैं वहां से मतलब यहाँ पे जो मतलब बॉक्स था, बॉक्स से मैं एक सिलेंडर निकाल लिया बीच में से, हो गया। अच्छा अब क्या करना है, ये मेरा एक ऐसा पॉइंट है जहां से कार्व निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग आराम से इसको यहां से कार्व निकाल सकते हैं यहां से। तो देखो कहां से मुझे कार्व, मेरा कार्व निकलना था,
मुझे वो आसानी से समझ में आ गया, मुझे यहां से ही कार्व निकालना है, ठीक है। फिर यहां पे भी इस पॉइंट से निकलना है, हो गया। अच्छा अब क्या करना है, ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे दिखाना है, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, तो हल्का सा ये इसको दिखा दिया, हो गया। अच्छा अब देखो नीचे आके ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा कर्व कर देता हूं। देखो आपका ये बॉटल तो बन गया, ये जनरल बॉटल का शेप है। अब मान लो इस शेप को थोड़ा सा चेंज करना है मुझे, थोड़ा सा चेंज करना, मतलब ये बहुत ही जनरल शेप लग रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शेप को चेंज करना है। कहां तक, कहां से क्या चेंज करना है, इसलिए मैं और एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने रेफरेंस लाइन लिया, ये रेफरेंस लाइन लिया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, मतलब कटिंग है राइट, अंदर से कटिंग है, अंदर से कटिंग है। तो ये वाला कटिंग एक्चुअली इस तरफ नहीं आएगा, ये वाला कटिंग अंदर दोनों तरफ से आई थिंक जाएगा, मतलब हाँ वो शेडिंग से आएगा वो चीज। अब यहाँ पे भी सेम काम करना है, इधर भी जाएगा आई थिंक लेफ्ट, हाँ तो इधर का भी अंदर वैसे ही आएगा। तो मुझे क्या करना है, अभी इसी चीज को यहाँ पे एक्सटेंड कर देना। ओके ओके, तो मुझे यहाँ का जो मतलब लाइन है वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि कॉर्नर वाला पॉइंट से यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्व वैसे नहीं दिखता है, यहाँ पे कर्व दिखेगा आपका शेडिंग के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करके कर्व दिखेगा, हो गया। अब मान लीजिए इतना तो ड्राइंग हो गया, अब ऊपर वाला शेप को ठीक कर लेते। ऊपर वाला शेप के लिए क्या करना है, देखिए मुझे जैसा लग रहा है कि अगर ये मैं ऐसे करता हूँ कि इसका मुंह थोड़ा सा छोटा करता हूँ, नैरो करते हैं एक तरफ से, नैरो करते हैं, आगे हाँ। की तरफ से नैरो करते हैं, पीछे वाइड रहेगा, पीछे थोड़ा सा वाइड रह गया, ये इतना रह गया, ठीक है। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए देखो आपका लगभग पूरा चीज बन चुका है। इसको और भी थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं हम लोग, कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं कि ये शेप को पीछे की तरफ और थोड़ा सा फुला सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, आगे की तरफ थोड़ा और पतला कर सकते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा ही निकले, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अब इसको फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। आप इसको मतलब पेन से कर लेते हैं ताकि समझ में आए सही तरीके से। जैसे अभी आपने देखा था गूगल पे कि किस तरीके से वो होता है ना, कि आपने पेंसिल ड्रॉ किया, जरूरी नहीं मिटाना, कभी कभी क्या होता है पेंसिल इसलिए नहीं मिटाते हैं क्योंकि कुछ डिटेलिंग या टेक्निकलिटी जो हमें बताना है वो पेंसिल बताती है, और हमें फाइन लाइन को हाईलाइट करने के लिए हम एक डार्क पेन के यूज कर लेते हैं वहां पे। और ये ना देखो समझाने में टाइम लगा मोइनाक को, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बनाने के लिए, क्योंकि आप किसी को समझा नहीं रहे हो, आप बना रहे हो एकदम। और ये थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आज आप क्लास ज्वाइन करोगे कल सीख जाओगे, इसमें 2-3 महीने भी लग सकते हैं, किसी को महीने भर में भी आ जाता है, वो डिपेंड करता है आपका ग्रैबिंग पॉइंट कितना है, कितना जल्दी आप समझते हो किसी चीज को। बट एकदम आपका लाइक सिंपल सा मेरा फंडा यही है कि हर एक स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग एंड निगेटिव पॉइंट होता है, जो कल ऑलरेडी हम डिस्कस किए, हम आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आपका काम करना सिखाएंगे, और धीरे धीरे हम ये भी बोलेंगे कि जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने का कोशिश में रहेंगे, कि भाई जो आपका निगेटिव है हमेशा निगेटिव नहीं रखना है उसे, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बोलता है ना सर मेरी ड्राइंग खराब है, मैं ये भी बोल सकता हूँ आप बिना ड्राइंग के क्रैक कर लोगे निफ्ट, और करवा दूंगा, लेकिन फाइनली देखो आप डिजाइनर बनने वाले हो तो आप ड्राइंग से भागना नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये सब तो सीखने का चीज है, अगर तुम्हें कोई सिखाने वाला मिल गया सही तो सीख जाओगे, है ना। तो ये हम लोग इसीलिए तो इसीलिए हमने क्या किया कि मोइनाक आपको इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, मतलब आप 1-to-1 भी हेल्प ले सकते हो मोइनाक से, ठीक है, और मैं आपको क्रिएटिविटी के क्लास में हेल्प करता हूँ, तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन,
मैं दोनों चीज नहीं सिखाने जाऊंगा, मोहिनाग भी दोनों चीजों में नहीं घुसेगा, तो इससे क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाता है बच्चों का क्वेरीज लेना, आसान हो जाता है। एकदम क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं एक्चुअली मतलब काम में थोड़ा सा ध्यान चला गया था मेरा, इसलिए चुप हो गया। ओके तो मान लो कि यहाँ तक ही लिक्विड सोप जो है वो लिक्विड यहाँ तक है, तो उसके लिए भी देखो मैं एक रेफरेंस लाइन लिया हूँ जिससे कहाँ तक वो है वो मुझे निकालना था। एक्चुअली वो यस मुझे ढूंढ सर। के निकालना था, तो इसलिए मैं यहाँ तक ही लिया इसको। और देखो आराम से मुझे मिल भी गया कहाँ तक है ये चीज, मुझे वो दिख भी गया आराम से। अब इसमें आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दो इसको, तो क्योंकि ये बोतल है तो उसका एक थोड़ा सा थिकनेस थिकनेस होता है। हाँ होगा। तो यहाँ पे और भी एलिवेटेड मतलब प्लेन्स दिखा के आपको और भी दिखा सकते थे, लेकिन इतना से आपको समझ में आ जाएगा मुझे लगा, तो मैं यहीं पे इसलिए इसको छोड़ा। नहीं, ये ठीक है, मतलब इसको देखो वही है ना, कॉम्प्लेक्स और भी किया जा सकता है और डिटेलिंग में जाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को और टफ बनाना जरूरत है, इतना में आ सकता है। इवन हमको तो ये लगा कि मोइनाग ने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लाइन का यूज किया है आपको समझाने के लिए, मतलब मेरे कंपेरिजन, मैं इतना भी लाइन नहीं ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत ना आपको अपनी सेंस मतलब होता है ना उसको भी यूज करना चाहिए। हाँ, ये तो आ जाएगा, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस हाँ, करेंगे तो तो आप वो प्रैक्टिस चीज करोगे आ तो अपने जाएगा। आप आ हाँ जाएगा। हाँ ओके, सो एक मिथ तो दूर हुआ आप लोगों का कि भाई ड्राइंग सीखा जा सकता है ऑनलाइन में। चलो आप ज्वाइन करो ना करो, ये मुझे सिर्फ बता दो कि क्या आपको ये क्लासेज जो ड्राइंग का है वो उतना ही इजी लगा जितना ऑफलाइन में आपको इजी लग सकता है। सर, यस सर। तो ये तो डर दूर हो गया ना कि ऑनलाइन में भी सीखा जा सकता है ड्राइंग, इवन बेटर वे और में सीखा ये जा सकता है। यस सर, ऑफलाइन से ज्यादा बेटर है, मतलब ऑफलाइन में बहुत सारे लोग रहते हैं तो कभी कभी होते हैं ना इनवाइटी दिखता टाइप्स, भी नहीं है तो ऑनलाइन प्रॉपरली में है कि भी सर क्या ड्रॉ कर रहे हैं। यस सर, कॉमन सोसाइटी। ओके, सो आई थिंक इतना ही रखते हैं मोइनाक हाँ इतना ही आज के रखते हैं। लिए, आई होप सबको अच्छा ही लगा हो। एंड प्लीज बच्चे, हमारा ना बड़ा इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन या एडमिशन का, आप जस्ट आप एक इंस्टॉलमेंट पे करो और ज्वाइन करो क्लास, एक गूगल का फॉर्म हम आपको सेंड कर देंगे, हम पेमेंट का लिंक भी भेज देंगे, लेकिन लिंक मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा, आपको इंडिविजुअल भेजूंगा, मतलब डिटेल पेमेंट का। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को लगे कि भाई वी आर जस्ट मेकिंग द बिजनेस, तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो देन टेक्स्ट मी, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो ना तो आप मेरे को ये यस बता देना कि सर मतलब अभी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे मे बी इन फ्यूचर, देन ऑल्सो इट्स फाइन, तो जरूरी नहीं है हर कोई अभी ज्वाइन करता हो, कोई कोई बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं, बट मैं ये बोलूंगा जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अभी देखो आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से पढ़ भी ले सकते हो, टाइम भी दे सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लास्ट मोमेंट में आपके लिए भी हैक्टिक होगा और हमारे लिए भी होगा कि आपको कम टाइम में पूरी चीजें करवाना है, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप मुझे अगस्त में ज्वाइन करोगे तो मैं आपको आधी चीजें पढ़ाऊंगा, तब भी ये मैं तो आपको उतना ही बताऊंगा, लेकिन कोई आपके लिए नहीं। प्रेशर बन जाएगा, समझे। तो आप लोग ना एक काम करना, मुझे मैसेज जरूर कर देना व्हाट्सएप पे अपना नंबर, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, नहीं भी हो तो ये लिख देना सर आई विल ज्वाइन इट लेटर, मतलब नॉट नाउ, तो मैं आपको एक काम करूंगा, मैं आपको ना एक उसमें ऐड कर दूंगा, हमारा अभी हम लोग एक व्हाट्सएप न्यूज लेटर बना रहे हैं, व्हाट्सएप न्यूज लेटर का मतलब क्या है कि हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देते रहेंगे जिससे आपका एंगेजमेंट बना रहे, मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे हमारे साथ जो भी कनेक्ट करते हैं लेटर एंड सूनर वो हमें ज्वाइन कर ही लेते हैं, ये मेरा ट्रस्ट है।
मतलब कि हमारे क्लासेस इतने अच्छे हम देते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट होता है कि बच्चे आज नहीं तो कल ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ आपको इंगेजमेंट देना कि भाई आपको ना इस ऐसा ना हो कि आपका मन उब जाए या फिर आपको सही गाइडेंस ना मिले। तो सिर्फ एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैं एक न्यूज़लेटर लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस में कम से कम 2 से 3, वीकली का मतलब क्या है, वीक में एटलीस्ट 3 कंटेंट मैं आपको फ्लो करूँ। मे बी इन इट कैन बी अ PDF फॉर्म, इट कैन बी अ टेक्स्ट फॉर्म, इट कैन बी अ लाइक अ वीडियो फॉर्म ऑल्सो। तो मैं आपको नर्चर करता रहूंगा, मैं आपको कुछ ना कुछ अपने तरफ से देता रहूंगा, ठीक है। सो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने वैसे नाम लिख लिया है, रिया, सुहानी, कौशिकी, मनप्रीत, मुस्कान, पूजा, साक्षी, शिक्षा, सौम्या, अंशिका, तुषार, ये सब लोग से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सअप कर देना इसके बाद। ओके, व्हाट्सअप करने के बाद सिर्फ आप अपना नाम, नंबर, नंबर तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा, सिर्फ नाम बता देना और ये बता देना इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। नहीं भी हो तब भी मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। कभी ना कभी मतलब होता है ना कि जो मेरे से बन पाएगा मैं ट्राई करूंगा आप लोग को कंटेंट देने का। और मैं आपको ना उसके बाद ही, जब आप मुझे मैसेज करोगे उसके बाद मैं आपको अपने सिस्टम में ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप वाले, जिससे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता ही रहेगा। लेकिन अगर आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करते हो ना तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, जहाँ पे हम और मोइनाक दोनों आपको 1-to-1 अटेंशन दे पाएंगे, आपको चीजें क्लियर कर पाएंगे। हमारे क्लास में एक और फायदा है कि आपकी क्रिएटिविटी कुछ और हो सकती है, दूसरों की क्रिएटिविटी कुछ और हो सकती है, तो हम आपको आपके लेवल से जज करते हैं। हम आप बहुत बार ऐसा होता है कि राहुल मान लो भेज दिया ड्राइंग और सुहानी ने भी भेजा है, सुहानी का ड्राइंग अच्छा नहीं है राहुल से मान के चलते हैं, लेकिन मैंने राहुल को बोला तुम्हारा ड्राइंग अच्छा नहीं है और सुहानी को बोला गुड कीप इट अप, उसका सिर्फ एक ही कारण है, सुहानी पिछले बार से इम्प्रूव की है लेकिन राहुल ने पिछले बार से इम्प्रूव नहीं किया है। इस फीडबैक का मतलब ये था, समझ में आया? एकदम एकदम तो ये है मेरा तरीका आपको जज करने का। आप ग्रुप में भेजो, इंडिविजुअली भेजो, जैसे भी भेजो, हम आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, ना कि आप ऑलरेडी अच्छी ड्राइंग के साथ आए हो और आप कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता हमें ज्वाइन करने का, इसलिए हम चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना उस चीज को। तो आप देख लो, मतलब अगर आपके लिए फिजिबल है अभी ज्वाइन करना तो आप EGMI ले सकते हो। देखो EMI में मैं थोड़ा नेगोशिएट कर सकता हूँ, नेगोशिएट का मतलब क्या है, 2 से के जगह 3 आ सकता हूँ, 3 के जगह 4 भी चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं नेगोशिएट फी को लेके नहीं करता हूँ, कि किसी के लिए भी वो ना हो कि भाई कोई होशियार बच्चा नेगोशिएट कर गया, कोई पेरेंट कॉल करके नेगोशिएट कर गए और कोई बच्चा मासूम सा या उसके पेरेंट मासूम से हैं उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया, तो दोनों को 2 फी मैंने चार्ज किया, वो मेरे साथ नहीं होने वाला है। मैं सबको एक ही फी चार्ज करूंगा, तुम नेगोशिएट करो चाहे ना करो, ठीक है। 25,000 इज अ फिक्स लाइक अ फी स्ट्रक्चर, बस उसमें आप वो कर सकते हो लाइक EMI हमसे ले सकते हो कि आप सर आप 4 बार में पे करूंगी, 3 बार में पे करूंगी, डेट विल बी नेगोशिएबल फॉर मी, क्योंकि मुझे लगता है चलो यार बच्चे की मजबूरी होगी तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखना चाहता है सीखने दो, ठीक है। तो ये हमारे हद में है, राइट मोइनाक, सही बात है। हाँ एकदम तो ये हम कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद मुझे सिर्फ इस क्लास को क्लोज मैं अभी कर रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर देना और ट्राई करो कि जितना जल्दी आप ज्वाइन करो मैं भी आपको एक अपने तरफ से गिफ्ट दे पाऊँ। लाइक हमने पेंसिल कलर आपको देना है, जो लगभग अमेजोन से अगर आप ऑर्डर करोगे तो 1,000 रुपये का सिर्फ पेंसिल कलर आएगा। टी शर्ट मैं आपको वही दूंगा जो मैंने पहना हुआ है, तो वो टी शर्ट मैं आपको कुरियर करूंगा, जिससे आपको ये अच्छा फील हो कि आप इस कोचिंग का एक हिस्सा हो और एक 3 साल का जो हमारा रिकॉर्ड है उसका एक अब आप नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड बनने वाले हो, नेक्स्ट ईयर आपका क्रैक होने वाला है, तो वो आप फील करो, मतलब वो फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि आप FDCN हो, राइट। FDCN हो तो आप निफ्टियन भी बहुत जल्द बनोगे, ठीक है। सो यहाँ पे सारे निफ्टियन फैकल्टी ही हैं, हम हो, मोइना हो, देवुलीना मैम हो या चंदन सर हो, ये चारों यहाँ के पार्टनर हैं, मतलब ऑल आर इक्वल पार्टनर। सो आप किसी को भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रात के 12 बजे तक आई थिंक मोइना के अवेलेबल है, रात के 2 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ,
देबुलीना मैम भी रात के 12 बजे तक अवेलेबल है, चंदन सर अगेन मेरे भाई हैं तो वो भी 2 बजे तक अवेलेबल होते हैं रात में, तो मतलब आप कभी भी रीच करो हमें। आप लोगों ने मैसेज का रिप्लाई देखा होगा हमारा, किसी ने एक्सपीरियंस किया है अभी तक कि रात के 12-1 बजे से तक भी रिप्लाई जा रहा हो मेरे तरफ से? Yes, so yes, आप जब लिंक भेजे थे स्टार्टिंग में तो आया था। ओके, तो आया ना, तो बेसिकली यही है हमारा, मतलब जब भी मैं जागा हूँ अगर आपकी क्वेरीज 2 बजे आ जाए तो ये नहीं बोल लूंगा ये कोई टाइम है तुम्हारा क्वेरीज लेने का, नहीं उस समय मैं अगर जगह हुआ ले लूंगा ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो सुबह भी मुझे ही उसका रिप्लाई करना है, तो मैं क्यों ना रात में करके सोऊं कि सुबह चैन की नींद सोऊंगा कि सुहानी को सुहानी वेट नहीं कर रही हो मेरा उठने के बाद रिप्लाई करने का, राइट? तो ये इजी है मेरे लिए, मतलब ये मैं अपने लिए ही करता हूँ कि भाई मैं चैन से रहूं तुम्हें रिप्लाई करके, ठीक है? ओके बच्चे, तो चलो ठीक है, इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग मुझे मैसेज करोगे अपने नाम के साथ, हाय सर दिस इज शिक्षा शिखा और सौम्या और आई वांट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप न्यूज़लेटर और आई वांट टू ज्वाइन योर लाइव क्लास, कोई भी मैसेज करो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन बोथ कंडीशन। ओके सो सॉरी एकता, अभी आपने ज्वाइन किया, अभी जस्ट एकता ज्वाइन कर ही रही है आई थिंक, अभी इतना लेट से कैसे, वो चेक तो नहीं कर रही कि हम लोग हैं भी या नहीं है। एकता अभी हम क्लास क्लोज करने वाले हैं एकता, और मुझे कहीं जाना भी है, बेसिकली आज बंगाल में न्यू ईयर है, मोइनाक शुभ नव वर्षो, शुभ नव वर्ष दादा, पहला वैशाख, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर, सो मोइनाक का आज शुभ नव वर्षो है, ही इज अ बंगाली तो इसका पहला मतलब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है आज इसके यहाँ, तो वैसे मैं भी जा रहा हूँ, मतलब मेरा मैं खुद बंगाली फैमिली में मैरिज मेरा हुआ है तो आधा बंगाली तो मैं भी बन गया, तो बेसिकली राइट मोइना है कि नहीं, देखो यार मैं ना आप तो पूरा बच चुके हो, मैं फेमिनिस्ट बंदा हूँ, मैं ना लड़कियों के सपोर्ट में खड़ा रहता हूँ, तो मेरा तो यही मानना है कि अगर लड़कियां शादी करके लड़के का जब ले सकती है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लड़के का क्यों नहीं हुआ, तो मैं भी आधा बंगाली हूँ। बहुत अच्छे विचार, थैंक यू सो मच, बट ये देखो यही फैक्ट है, अगर जैसा होता है ना इंसान ना कहते हैं कि दुनिया ना आईना होता है आपका, आप जैसा हो वैसे ही दुनिया आपको दिखती है, अगर आप अच्छे हो गए आपको दुनिया अच्छी दिखेगी, ठीक है? तो आप लोग भी यही फॉलो करना जो मैं फॉलो करता हूँ, अपने पेरेंट्स को आगे चल के अपने पेरेंट्स को जितनी वैल्यू दे रहे हो अपने सास ससुर को भी उतनी ही वैल्यू देना, तो आपको भी रिस्पॉन्स वैसा ही मिलेगा, ठीक है? सो गुड टू सी यू अगेन लाइक, और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कल परसों फिर से मिलूँ, क्लास ज्वाइन करो तो अच्छी बात है, नहीं भी ज्वाइन करो तो मैसेज कर देना, सो एटलीस्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे रोज तंग कर पाऊँ, राइट? व्हाट्सएप पे रोज आपको कुछ कंटेंट अपने नॉलेज दे पाऊँ, मैं वहाँ पे बार बार आपको डेमो क्लास के लिए नहीं बुलाऊंगा, मैं बार बार आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है? मुझे लगता है जब किसी बच्चे को ना हम वैल्यू देते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं है उसे अपना कोर्स प्रमोट करने की, ठीक है? वो बच्चों को पता है कि इनकी वैल्यू है, इनके कंटेंट अच्छे हैं, तो वो ज्वाइन जब करना होगा तो वो हमें ही करेंगे, ये मुझे मतलब गारंटी है मेरी इस बात की, तो मुझे पता है ऐसा ही होता है, ठीक है? मुझे ऐसे बच्चे भी ज्वाइन किए थे लास्ट ईयर जो अभी डेमो क्लास ले रहे हैं और ज्वाइन किए हमें पता है कब, दिवाली में, तो ठीक है ना, उसकी मजबूरी रही होगी, दिवाली में ही उसके मम्मी पापा मान पाए होंगे, दिवाली में मान गए तो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, ठीक है? तो हमारा और आपका रिलेशन हमेशा रहेगा, आप ज्वाइन करो ना करो, आप मुझे कभी भी मैसेज करो, कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लिया करो, ये मत सोचना कि शशि सर को ज्वाइन नहीं किया तो शशि सर रिप्लाई नहीं करेंगे, मोइनाक सर रिप्लाई नहीं करेंगे, नहीं, हम लोग यहाँ पे इस चीज के लिए है ही नहीं, हम लोग इसलिए आए हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इस इंडस्ट्री को लेके, कुछ भी डाउट हो मन में, आप कभी भी कॉल कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। मैं एक बार क्लाइंट को अवॉइड कर देता हूँ अपने बिजनेस में, क्योंकि मैं वहां पे बड़ा ही प्रोफेशनल हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बड़ा पर्सनल हूँ, मैं आपका कॉल कभी भी ले लूंगा, हाँ अगर बिजी रहूंगा तो बोल दूंगा आई विल कॉल यू बैक एंड मैं कॉल बैक करूंगा, ठीक है? सो ज्वाइन करो ना करो बच्चे, टच में रहना, कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एकदम, थैंक यू, चलो बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर।
वेलकम बाय स्टूडेंट्स बाय सर.